आंध्र या सातवाहन वंश। प्रथम शताब्दी ईस्वी में विदर्भ के दक्षिण में ऊपरी दक्कन के जिस क्षेत्र में एक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ उसे सातवाहन नाम से जाना गया। वायु और मत्स्य पुराण इन्हें आंध्र जातीय कहते हैं। संभवतः इसका कारण था कि इनका शासन आंध्र प्रदेश तक सीमित था। यही राजवंश अपने अभिलेखों में स्वयं को सातवाहन नाम से संबोधित करता है। कण्व वंश के अग्रिम नरेश सुशर्मा की हत्या करके सिंधुक सिमुख या विप्रक नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। सातवाहन नरेशों के प्रमुख अभिलेखों में निम्नलिखित का नाम लिया जाता है। नागनिका का नाना घाट अभिलेख, पुना जिला, नासिक से प्राप्त 5 अन्य अभिलेखों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 सातवाहन नरेश, नंबर 2 गौतमी पुत्र सातकर्णी के 2 अभिलेख जो उसके शासनकाल के 18वें और 24वें वर्ष के हैं, नंबर 3 गौतमी बलश्री का अभिलेख, नंबर 4 वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का अभिलेख, नंबर 5 यज्ञश्री सातकर्णी का अभिलेख। सात वाहनों के अनेक सिक्के पश्चिम भारत महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। यज्ञश्री कर्णी के कुछ सिक्कों पर जलकोट अथवा नाव का चिन्ह उत्कृष्ट है। सात वाहनों द्वारा निर्मित पश्चिम भारत के चैत्य और बिहार जिनमें नासिक कार्ले और भीजा स्थित चैत्य प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूपों का निर्माण भी सातवाहन काल में करवाया गया था। क्लासिकल लेखकों जैसे टालमी और प्लिनी के विवरणों से सातवाहन कालीन व्यापार और वाणिज्य पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में पश्चिम भारत के तट पर सातवाहनों के अधीन बेरी गजा नामक प्रसिद्ध बंदरगाह था। सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास। इस वंश के संस्थापक सिंधुक या विमुख अथवा सिप्रक एक ही थे जिन्होंने 23 वर्षों तक राज्य किया। इनकी मृत्यु पर इनका पुत्र अल्पवयस्क था, अतः सिंधुक का छोटा भाई कृष्ण राजा बना जिसने 18 वर्षों तक राज्य किया। इसके उपरांत सिमुख का पुत्र श्री सातकर्णी या सातकर्णी प्रथम सातवाहन सिंहासन पर बैठा, जिसकी पत्नी के रूप में उत्तरी मैसूर की राजकन्या नाथनिका या नागनिका का नाम प्राप्त होता है। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक श्री सातकर्णी ही था जिसने गोदावरी घाटी का पहला विशालकाय साम्राज्य स्थापित किया। इसे 2 अश्वमेघ यज्ञ और 1 राजसूर्य यज्ञ का श्रेय दिया जाता है। सातकर्णी प्रथम उत्तरी कोंकण और गुजरात के कुछ भाग जीते थे। इसकी मृत्यु के उपरांत 2 अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में नागनिका का शासन प्राप्त होता है। इसके बाद का सातवाहन इतिहास अंधकारपूर्ण है। अंधकार युग के उपरांत वंश के 23वें राजा के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम प्राप्त होता है, जिससे इस वंश का पुनः उद्धार किया है और 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक राज्य किया। इसके साम्राज्य में उत्तर में मालवा और कठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और दक्षिण में विदर्भ से पश्चिम में कोंकण तक क्षेत्र गौतमी पुत्र के प्रत्यक्ष शासन में था। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि पश्चिम भारत में छहरात वंशी नेहपान को पराजित करना था। इसने 24 वर्षों तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी हिंदू यवनों का शासकों ने ही फोटो और नाम सहित सिक्के चलवाए। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का कार्दभक छत्र वंश के 2 शासकों से संघर्ष हुआ, चष्टन और रुद्रदमन। इन युद्धों में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी पराजित हुआ था। रुद्रदमन अपने जूनागढ़ अभिलेख में दक्षिणापथ स्वामी सातकर्णी को 2 बार हराने का दावा करता है। इस नरेश की पहचान वशिष्ठी पुत्र
पुलुमावी के साथ की गई है। इस पराजय के उपरांत सातवाहनों का विस्तार दक्षिण की ओर हुआ और बेलारी अथवा मैसूर से तथा कृष्णा नदी के मुहाने से के प्रदेश से पुलुमावी के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त होते हैं, जो इन क्षेत्रों पर उसके आधिपत्य अधिकार का सूचक हैं। इसके बाद के सातवाहन वंश के उत्तराधिकारी कमजोर सिद्ध हुए और अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी हुआ, जिसने अपने कुछ खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया था। तीसरी शताब्दी ईस्वी के दो मध्य सातवाहन वंश छिन्न भिन्न हो गया।